वड्डी खबर सामने आ रही है नाइजीरिया तो जिथे एक यात्री किश्ती डूब गई है। जी हाँ, एक घटना उस वेले वापरती है जो एक यात्रियों के नाल भरी हुई किश्ती पानी के विच डूब जाती है। हुण तक दे रिकॉर्ड की गल करिए वड्डे पद्धर दे उत्ते लोगों की जान चली गई है। हालांकि हले भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मामले की तुहानू जानकारी दे दिंदे हां। सो नाइजीरिया तो खबर सामने आ रही है, नाइजीरिया के पूर्वी राज ताराबा दे विच एक यात्री किश्ती पलट गई है, जिस कारण घट्टो घट हुण तक दे अंकड़े की गल करिए 17 लोगों की मौत हो गई है। स्थानक अधिकारियों ने यह जानकारी भी दी है। सो ताराबा दे विच राष्ट्रीय एमरजेंसी प्रबंधन एजेंसी के संचार के मुखी बशीर गर्ग ने दसिया है कि हुण तक इस घटना के घट्टो घट 17 लोगों की लाशा बरामद कर लिया गई ने, जबकि हले भी 12 लोगों को बचाया गया पर कई लोग लापता दसे जा रहे हैं। सो पत्रकारों के नाल गलबात करते हुए दसिया गया है कि बाजारा तो औरतों अते बच्चे समेत घट्टो घट 104 यात्रियों नू लैके जा रही किश्ती तरबा दे क्रीम लामिडो स्थानक सरकारी खेत्र वल जाते समय डुब गई है। अधिकारियों ने घटना लई किश्ती दे ओवरलोडिंग नू जिम्मेवार ठहराया ते कहा है कि अगे इस मामले की पूरी जांच की जाएगी कि आखिर इस किश्ती दे डुबण दा पूरन कारण की है। सो ताराबा राज दे गवर्नर एगबू के पास ने भी इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने इस घटना के उत्ते दुख का प्रगटावा किया। हालांकि 104 लोगों नू यह यात्री किश्ती लैके जा रही थी पर नहीं पता सी कि अजिही घटना वापरेगी। सो 104 लोगों नू लैके यह यात्री किश्ती जा रही थी, 17 लोगों की लाशा बरामद कर लिया गई ने। हालांकि हुण तक दे रेस्क्यू तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो 104 लोग इस किश्ती दे विच सवार से, जिन्हां दे विचों सिर्फ और सिर्फ 12 लोगों को बचाया गया, जबकि वड्डे पद्धर के उत्ते लोग हले भी लापता दसे जा रहे हैं, जिन्हां दी भाल हले भी जारी है। फिलहाल बेहद दुखदाई एक घटना है। मामले में लैके हुण तक दी जानकारी के मुताबिक 17 लोगों दी लाशा बरामद कर लिया गई ने। वड्डी खबर सामने आ रही है नाइजीरिया तो जिथे एक यात्री किश्ती डुब गई है। जी हाँ, एक घटना उस वेले वापरती है जो एक यात्रियों के नाल भरी हुई किश्ती पानी के विच डुब जाती है। हुण तक दे रिकॉर्ड की गल करिए वड्डे पद्धर के उत्ते लोगों की जान चली गई है। हालांकि हले भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मामले की तुहानू जानकारी दे दिंदे हां। सो नाइजीरिया तो खबर सामने आ रही है, नाइजीरिया के पूर्वी राज ताराबा दे विच एक यात्री किश्ती पलट गई है, जिस कारण घट्टो घट हुण तक दे अंकड़े की गल करिए 17 लोगों की मौत हो गई है। स्थानक अधिकारियों ने यह जानकारी भी दी है। सो ताराबा दे विच राष्ट्रीय एमरजेंसी प्रबंधन एजेंसी के संचार के मुखी बशीर गर्ग ने दसिया है कि हुण तक इस घटना के घट्टो घट 17 लोगों की लाशा बरामद कर लिया गई ने, जबकि हले भी 12 लोगों को बचाया गया पर कई लोग लापता दसे जा रहे हैं। सो पत्रकारों के नाल गलबात करते हुए दसिया गया है कि बाजारा तो औरतों अते बच्चे समेत घट्टो घट 104 यात्रियों नू लैके जा रही किश्ती तरबा दे क्रीम लामिडो स्थानक सरकारी खेत्र वल जाते समय डुब गई है। अधिकारियों ने घटना लई किश्ती दे ओवरलोडिंग नू जिम्मेवार ठहराया ते कहा है कि अगे इस मामले की पूरी जांच की जाएगी कि आखिर इस किश्ती दे डुबण दा पूरन कारण की है। सो ताराबा राज दे गवर्नर एगबू के पास ने भी इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने इस घटना के उत्ते दुख का प्रगटावा किया। हालांकि 104 लोगों नू यह यात्री किश्ती लैके जा रही थी पर नहीं पता सी कि अजिही घटना वापरेगी। सो 104 लोगों नू लैके यह यात्री किश्ती जा रही थी, 17 लोगों की लाशा बरामद कर लिया गई ने। हालांकि हुण तक दे रेस्क्यू तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो 104 लोग इस किश्ती दे विच सवार से, जिन्हां दे विचों सिर्फ और सिर्फ 12 लोगों को बचाया गया, जबकि वड्डे पद्धर के उत्ते लोग हले भी लापता दसे जा रहे हैं, जिन्हां दी भाल हले भी जारी है। फिलहाल बेहद दुखदाई एक घटना है। मामले में लैके हुण तक दी जानकारी के मुताबिक 17 लोगों दी लाशा बरामद कर लिया गई ने।